में क्या किया उन्होंने उसको प्रसाद और अमृत करने के लिए? वो भी पानी है मंदिर में भी, वो भी हलवा ही है, वो भी लड्डू ही है, लेकिन लड्डू प्रसाद कब बन गया? लड्डू प्रसाद कब बन गया? जब वो भगवान को याद करके, भगवान की याद में अर्पित करके सबको खिलाया गया। कितनी देर लगती है मंदिर में? देखो कैसे होता है, लेके जाते हैं अपना, ये हमारी तरफ से प्रसाद चढ़ा दो, तो एक डब्बा आप लड्डू का लेकर गए, सारा कुछ लेस देन वन मिनट के अंदर हो रहा है वहाँ पे, कि हम एक डब्बा लेकर गए, उन्होंने क्या किया, फटाफट डब्बा वहाँ हाँ देवी देवताओं की मूर्ति के सामने डाला, ऐसे किया, वापस लाया, बोला प्रसाद, कन्वर्ट हो गया वो एक मिनट के अंदर। हो गया कि नहीं हो गया? तो एक मिनट में क्या हो गया उस लड्डू को, वो कन्वर्ट कैसे हो गया, वो प्रसाद कैसे बन गया? तो अगर एक मिनट में लड्डू प्रसाद बन सकता है, तो क्या हमारे घर की रोटी सब्जी दाल चावल वो प्रसाद नहीं बन सकती है? बन सकता? नहीं बन सकता। गुरुद्वारे में रोटी सब्जी दाल चावल लंगर बन सकती है, घर में नहीं बन सकती है? बन सकती है। वहाँ तो जब हम प्रसाद लेकर जाते हैं मंदिर में, तो हम बाजार से खरीद के लेके चले जाते हैं लड्डू। प्रसाद कैसा होना चाहिए? प्रसाद कैसा होना चाहिए? हमें खुद उसको परमात्मा की याद में बनाना चाहिए। जब तक हम उसको परमात्मा की याद में बनाएंगे नहीं, फिर उसको अर्पित करेंगे नहीं, तब तक वो नहीं प्रसाद बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे धीरे, पहले कभी कोई बाजार से प्रसाद नहीं खरीदता था, लेकिन धीरे 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 क्या होने लगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो हमने क्या करना शुरू किया, चलो लिया, वहाँ गए 30 सेकेंड्स में बाहर आए, तुम्हारा प्रसाद बन गया। तो भावना तो क्या होती गई, घटती गई ना, हम सिर्फ रिचुअल करते गए, भावना घटती गई। अब हमें हर चीज़ को कैसे करना है, भावना से करना है, क्योंकि भावना ही उसके अंदर एनर्जी भरेगी, भावना एनर्जी भरेगी। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं खाने पर, क्योंकि खाने से आत्मा की स्थिति डिप्लीट भी हो सकती है और खाने से आत्मा की स्थिति, जैसा अन्न वैसा मन, ये जीवन का मंत्र है। तो परमात्मा की याद में मेडिटेशन करते हुए, कोई गीत वैसे चलाते हुए किचन के अंदर खाना बनता है। उसके बाद हम खाने को लेकर थोड़ा 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 सारा खाना लेकर उसके साथ मेडिटेशन करते हैं, फिर वो खाना सबके साथ मिक्स करके फिर सबको वो खाना खिलाया जाता है, और फिर वो खाना खाने से पहले फिर 30 सेकेंड पॉज, कि अगर बनाने वाले का फिर भी कुछ गया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाने वाला अपनी मन की स्थिति को ठीक करके फिर खाना खाएगा। टीवी के सामने खाना खाना, टीवी देखते हुए खाना खाना, क्या होगा सोचो। यही हमने छोटी छोटी गलतियां की हैं जिससे हम सत्ययुग से कलयुग में आए हैं। पहले हम परमात्मा को याद करके, पानी में मंत्र डालकर, पानी को उस खाने पे ऐसे छिटक कर, ये क्या कर रहे थे, हम पानी में हाई वाइब्रेशन डाल रहे थे, फिर पानी से खाने को क्या कर रहे थे, प्योरीफाई कर रहे थे। अब हमने क्या किया, प्लेट ली, रिमोट किधर है, ऑन किया, बैठ गए। ये इतना सा शिफ्ट हमारे भाग्य को बदल सकता है, इतना सा शिफ्ट, एक शिफ्ट भी। क्योंकि अब खाना खाते हुए हम क्या सुन रहे हैं और वो खाना क्या अब्सॉर्ब कर रहा है। तो खाना परमात्मा की याद से शुरू होगा। सेकंड, खाना खाते हुए कोई गलत बातें नहीं होंगी, मतलब कोई प्रॉब्लम डिस्कस, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा, कुछ नहीं। आइडियली तो खाना साइलेंस में, और फिर भी अगर सबके साथ बैठकर खाना है तो बहुत ध्यान से, कोई ऐसी बात नहीं जो खाने में जाकर मन की स्थिति पर और इंटेंसिफाई हो जाए। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें। आजकल ऑफिसेज में मीटिंग करते हैं खाना खाते खाते, मीटिंग करेंगे ना अगर खाना खाते खाते, तो खाने में सारा क्या भर जाएगा, वो प्रॉफिट लॉस, वो फिगर्स, वो प्रॉब्लम्स, वो सारी खाने में भर जाएंगे। इट्स नॉट द वे टू लिव। खाना खाना एक सात्विक होना चाहिए, पानी पीना सात्विक। तो जो हमने थॉट क्रिएट की, मैं सत्ययुगी आत्मा हूँ, मैं प्योर आत्मा हूँ, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है, मैं परमात्मा का
एंजल हो, मेरे रिश्ते कैसे हैं, परफेक्ट हैं, ये तीन चार थॉट भी अपने हर खाने और पाने में डाल दो। और जो डाल देंगे वो हमारे मन की स्थिति बन जाएगी, जो हमारी मन की स्थिति बन जाएगी वो हमारी सृष्टि बन जाएगी। तो सुबह दिन की शुरुआत, फिर उसके बाद सारा दिन में बीच बीच में चेकिंग, फिर उसके बाद हर बार जब हम कुछ खा रहे हैं, जब हम कुछ पी रहे हैं, फिर रात को सोने से पहले 10 मिनट्स। ऐसे ही मैले चित्त के साथ नहीं सोना है। लोग नहा धो के सोते हैं ना, बहुत लोग रात को सोने से पहले क्या करते हैं, नहा धो के सोते हैं। नहा धोएंगे नहीं तो कम से कम हाथ पाँव तो धोएंगे, मुंह तो धोएंगे, क्या धो रहे हैं, हम सारा दिन की वाइब्रेशन को धो रहे हैं। तो सारा दिन की वाइब्रेशन को यहाँ से भी धोना है, सारा दिन की वाइब्रेशन को यहाँ से भी धोना है। तो रात को सोने से पहले लास्ट इन्फॉर्मेशन भी, मीडिया, मूवी, सीरियल, ये लास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। सब कुछ देख लिया, हो गया 10 मिनट्स, 10 मिनट्स इसको क्लीन करके अगेन कोई ज्ञान की बात इसमें भर के, परमात्मा को याद करके, अपने मन को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे लाकर जो सोएगा उसको नींद सही आएगी। नहीं तो सिर्फ शरीर सोता है, मन तो रात को भी बीच बीच में बहुत कुछ करता रहता है, सपने भी आते हैं, कई बार अच्छे सपने भी नहीं आते हैं, कई बार नींद अच्छी नहीं आती है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम मन को लो वाइब्रेशन पे रख कर ही सो गए, तो लो वाइब्रेशन पे ही वो रहेगा रात को। फिर तो रात को सोने से पहले उसको हाई वाइब्रेशन पे जो लाएगा, सुबह उठते ही जो उसको हाई वाइब्रेशन पे लाएगा, वो उसको सारा दिन हाई वाइब्रेशन पे रख सकता है। तो धन दुआओं के साथ आएगा, अन्न सात्विक खाएंगे, रोज सुबह मन को चार्ज करेंगे तो संस्कार क्या हो जाएंगे, संस्कार क्या हो जाएंगे, फिर कुछ रहा कुछ बचाएंगे। इतना सिंपल है कि फिर संस्कार क्या हो जाएंगे, प्योर। कौन सी थॉट क्रिएट करनी है सुबह उठते ही, जो हमें चाहिए के हो, हमें थॉट क्रिएट करनी है कि वो ऑलरेडी है। अभी अपना चूज करिए कि आपको क्या क्या चाहिए, एक संस्कार के लिए, दूसरा अपनी हेल्थ के लिए, तीसरा अपने रिश्तों के लिए, चौथा अपने काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं, जो जो चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अपने संकल्पों को बदलकर अपनी सृष्टि को बदलना ही है।